जो ओरिजिनली हमारा जीआरटी लैंड वॉर था, वहां पर हमने काफी कुछ किया था, पर अफसोस काफी कोशिशें करने के बाद और लैग भी झेलने के बाद वो वर्ल्ड मेरा गलती से पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। एंड उसके बाद हमने वो वर्ल्ड खेला ही नहीं, और उस बात को काफी टाइम हो चुका है। फिर हमारी शुरू हुई थी जीआरटी लैंड की एक और नई सीरीज, जो कि मेरे दोस्तों के साथ थी, ऑप्टिमस और मोनो, वो जो कि अभी चल रही है, वो एक कैनन सीरीज है। पर अभी मैं एक बेडरॉक एडिशन की नॉन कैनन सीरीज जीआरटी लैंड की शुरू करने वाला हूँ। यस, और ये है एक वर्ड जो जो आपको दिख रहा होगा, और मैंने और मैंने यहाँ फाइनली लैपटॉप ले लिया, एक बढ़िया वाला RTX 3050 वाला, पावरफुल। और यहाँ पर अब स्मूथ गेम प्ले होगा, और मैं अच्छे से, पहले तो लैग झेलना पड़ता था, अब फाइनली स्मूथ में गेम खेल पाऊंगा। आपको तो शायद अभी 60 FPS में दिखेगा, पर मैं तो चलो 120 FPS पर खेल रहा हूँ। अभी हाँ, बढ़िया बढ़िया गेम्स भी मैं PC गेम्स भी डाला करूंगा, जैसे अभी मैंने फोर्जा होराइजन 5 डाउनलोड कर लिया, अब अगली वीडियो उसी की डालूंगा मैं। और बाय द वे, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कौन सी गेम्स। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, गेम्स जो फ्री हो या फिर अपना वो क्या कहते हैं, हाँ, एक्सबॉक्स गेम पास पर हो, क्योंकि मैंने वो लिया हुआ है इस कारण। भाई PC पर बेडरॉक एडिशन में पहली बार खेल रहा हूँ, कितनी स्मूथ लग रही है भाई। कहाँ वो 60 FPS जो कि बिल्कुल स्टेबल। जो पिछला GRT लैंड वर्ल्ड था, जो कि मैंने सोलो वाला, जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, पर इस बार इसको वो हम कंप्लीट भी करेंगे, और हम इसमें क्या कहते हैं, बढ़िया सामान वगैरह भी बनाएंगे। और हाँ, अभी वीडियोस भी थोड़ी जल जाएंगी, क्योंकि अब मैं बिकॉज PC पर हूँ, तो अब मैं फास्ट एडिटिंग भी कर सकता हूँ, और लैग भी नहीं चलना पड़ेगा मोबाइल का। भाई क्या स्मूथ है, इतनी स्मूथ मैंने माइनक्राफ्ट आज तक नहीं खेली। बच गया मैं। उधर एक केव है, पहले पर हम शीप मारेंगे, क्योंकि एक तो अच्छा, एक का तो सामान मिल चुका है, पर अभी और भी चाहिए। तो शुगर केन कलेक्ट करते रहेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। और इस जैसे लास्ट टाइम मैंने जब शुरू की थी, तब मैं एक डूब था बेडरॉक एडिशन GRT लैंड की ओरिजिनल वाली, पर अब मैं नहीं हूँ, क्योंकि कंट्रोलर के साथ तो मुझे आते थोड़ा सा उसके साथ इजी था, पर अभी इसके साथ थोड़ा सा मतलब आदत पड़ने में टाइम लगेगी। हेलो शुक्र भैया, आयरन भी माइन कर लेते हैं अभी। गुफा खाली, तो नदी के अंदर गुफा बनाने का मुझे लॉजिक आज तक नहीं समझ आया भाई, क्या उसका लॉजिक मतलब। मिस्टर पिग, अभी तक कोल नहीं मिला मुझे, अभी अंदर नहीं आ गया। या तो मैं चारकोल बनाऊंगा या फिर निकल गया अंदर से बाहर। ओ, इधर और लेदर बढ़ी है, तो मतलब ये वूल। ओ, XP कैसे छोड़ सकता हूँ भाई मैं। तू चाहिए तुझे मेरी, अरे नमूने भाई कहाँ जा रहे हो भाई, मैं तुम्हें ये देखो एक चीज दिखाता हूँ, खाओगे ये, बढ़िया है, ये ले तू भी खा, तू भी खा, तू भी खा। ओह सॉरी, एक मिनट, मुझे कुछ दिखा शायद अभी। ओह ओए ओ भाई, सामने विलेज और चैरी बायोम भी। नाइस यार, मैंने किसी को ऐसे तड़पते नहीं देख सकता, तो पता इसको भी मुक्त कर देते हैं, अच्छा रहेगा ना, इतने पीरियड के पास पहुंच जाएगा। वैसे वो भी था एक, बट एनीवेज क्या किसको फर्क पड़ता है भाई। ओके, तो हम एक विलेज में पहुंच चुके हैं, जहां पर ऑफ कोर्स गोलम भैया और विलेजर्स होंगे। यार मैंने किसी को ऐसे तड़पते नहीं देखा, बट एनीवेज क्या किसको फर्क पड़ता है भाई। पता बात क्या थी, मुझे ना 0 XP करनी थी अपनी। ओ फिर से बढ़ गई, चल कोई बात, कोलम के साथ बस थोड़े से मजे लेने थे, क्योंकि भाई समझो यार बात।
ओके अभी रात हो गई है तो अभी एक काम करते हैं, तो भाई ये छोड़ दे। कहते हैं ताकि ज़ॉम्बीज तो जना मारे, मैं तेरी थोड़ी सी मदद करता हूँ। अबे यार घटिया, नकली सड़ा हुआ क्रीपर उसको भगा दिया विलेजर को। अच्छा बड़ा उधर बैठा था भाई, तेरा भाई कोई घर नहीं है। मुझे सोच सुनकर बहुत बुरा लगा, पर कोई बात नहीं, मैं तुझे शेल्टर दूंगा, हमारे पास आइए। Meanwhile, ओ यार पहले से कुछ बन चुके हैं वो भी विलेजर, लेट हो गया। चल कोई बात नहीं, पर ये है ना अभी। ओके बढ़िया, विलेज मिल गया। और अच्छी बात है कि चार ही भाइयों भी है, बहुत अच्छी विलेज है भाई वैसे, मतलब इधर आ बस, अब जिंदगी भर के लिए। थोड़ा सा तोड़फोड़ भी करते हैं, कोई बात नहीं विलेजर, वैसे भी तेरा घर बाद में ये हट नहीं है। टेंशन नहीं मेरे भाई, फ्यूचर में तुझे इससे बड़ा मैं घर दूंगा। उसको कहेंगे हम ट्रेडिंग हॉल, ठीक है, टेंशन मत ले। साइड हो, भाई कोई मुझे शैतान नहीं कहेगा, क्योंकि ये विलेजर विलेजर होती है इस कारण है। मतलब इनका इन पर तरस तुम क्या खाओगे, इनकी शक्ल देखो एक बार, इसकी शक्ल देखो, ये तरस खाने लायक है ये विलेजर, तुम खुद बताओ। नहीं ओके अब चलते हैं भाई, बंदे ने काम वगैरह कर दिया, बीज वगैरह बो दिया, एक अच्छी सी केव ढूंढते हैं इधर आसपास, मिल जाए कोई अच्छी केव। ओ इनको लूटा ही नहीं सच, मैंने तो याद ही भूल गया था। ओ भाई दो दो विलेजर एक ही इस पर काम कर रहे हैं, अच्छी यूनिटी है भाई। यूजलेस केव, ओ ये काम कीजिए। ओके तो इधर मुझे एक अच्छी जगह मिल चुकी है, इधर ही जाते हैं फिर। बाई चांस मेरा पड़ाका पड़ गया, तो जस्ट फॉर इंश्योरेंस तो नहीं है ये तो काफी डेंजरस मिली है। और ये क्या मजाक है भाई, सिर्फ कॉपर। ओ भाई तो मैं भूल जाता हूँ कि क्राउच करने से वो शिव होती है। वाओ वे क्या डेडिकेशन है बंदे की, भाई कौन है। ओके आके मुझे क्रीपर माशे दिख रहे हैं। ओ यार ये मुझे सबसे घटिया लगते हैं भाई, ऊपर कैसे इसका लग जाता निशाना, जब मैं ऑलरेडी शील्ड ऊपर कर चुका हूँ फिर भी इसका निशाना बन कैसे लग जाता है। और थोड़े से और क्रमाशे, बिना किसी डैमेज के मैंने इस जगह को बचा लिया, बहुत ही क्या कहते हैं दिमाग लगाकर। आयरन कोल के बीच में छुपने की कोशिश कर रहा है भाई, सच में भाई एक एक आयरन मिल रहा है, इतना कम तो कम मिलता ही नहीं, कम से कम 5-6 तो मिलते हैं एक साथ, या फिर जाते 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20। ओके
पूरी केव में से मुझे सिर्फ 6 आयरन मिला है। देख लो भाई कोई फायदा नहीं इस केव में से, कोई ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी की आवाज तो आ रही है पर दिख नहीं रहा मुझे। चलो a few moments later ओ भाई ओ ये देखो वो उधर घर है मेरा और इधर इतनी बड़ी केव। चलो फिर वेट किस चीज की, लगाते हैं डुबकी। ओ फाइनली जाने दी क्या सामने। ओ क्या बात, ओके भाई तो आज की वीडियो बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ध्यान रखना।